Welcome students, in our today's chapter's question answers explanation session. This chapter is The Grooming of a Boy of class 9th. This chapter is all about a letter written by Abraham Lincoln to his son's teacher. And question number 1 is, all men are not just and true. वो कहते हैं कि सारे ही इंसान जड़े हैं वो न्यायपूर्ण नहीं होंगे तो सच्चे नहीं होंगे. वाई इज़ द ऑथर स्टिल होपफुल, पर फिर भी जिहड़ा लेखक है उन्हें बहुत उम्मीद है, वो होपफुल है, वो पॉजिटिव है. क्यों? द ऑथर इज़ होपफुल, जिहड़ा लेखक है वो होपफुल है. बिकॉज For every bad person, there is a good one also. कहिंदे जेड़ा भी कोई इंसान बहुत बुरा हुंदा है, उदे विच कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर हुंदी है. What should Lincoln's son be steered away from? कहिंदे जेड़ा लिंकन दा बेटा है, उसनू किस चीज़ तो दूर रख्या जाना चाहिदा है. He should be steered away from envy. उसनु envy means इरखा. उसनु इरखा तो दूर रखिया जाना चाहिदा है. What should one never sell? ऐसी केड़ी चीज है जो किसी इंसान नु कदी भी नहीं बेचनी चाहिदी. One should never sell one's hurt and soul. इंसान नूं कदे भी अपना दिल ते अपनी आत्मा जिहड़ी है वो नहीं बेचनी चाहिदी. वाई डज लिंकन वॉन्ट हिज सन नॉट टू बी कडल्ड? कहिंदे कि लिंकन क्यों चाहुंदा सी कि उस दे पुत्तर नूं छाती नाल ना ला के रख्या जावे, भाव उस नूं बहुत प्यार नाल ना पालिया जाए. अकॉर्डिंग टू लिंकन, लिंकन दे मुताबक वन बिकम्स टफ ओनली, एक इंसान ता ही सख्त बन सकता है, प्रॉपर इंसान बन सकता है, बाय पासिंग थ्रू द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. जदो इंसान अपनी जिंदगी दी डिफिकल्ट टाइम औखे टाइम चो निकलता है ता ही वो एक वधिया इंसान बनता है. सो दैट इज़ वाई ही डजन वॉन्ट हिज सन टू बी कडल्ड. इस करके वो चाहता सी कि उदे पुत्तर नू बहुत प्यार नाल ना पालिया जाए. हाउ कैन वन गेन सबलाइम फेथ इन मैन काइंड? वो कहिंदे कि हाउ कैन वन, किस तरह एक इंसान जिहड़ा है वो सबलाइम मीन्स श्रेष्ठ या उच्चे विश्वास वाला या उच्चा विश्वास रख सकता है. इट कैन बी डन, कहिंदे एक इंसान उच्चे विचारधारा वाला उच्चे विश्वास वाला ताई हो सकता है. इट कैन बी डन बाय हैविंग सबलाइम फेथ इन वन सेल्फ आल्सो. जदों किसी नू बहुत वधिया विश्वास अपने आप ते होए, मतलब वो अपने आप ते बहुत विश्वास रखता होए, उच्चा विश्वास रखता होए, ताई वो बाकी लोगों च भी इंसानों च भी विश्वास नू पाल सकता है. व्हाट शुड वन पोंडर अबाउट? कहिंदे कि व्हाट शुड वन पोंडर अबाउट, किस विषय बारे विचार करना चाहिदा है इंसान नू. वन शुड पोंडर अबाउट, इंसान नू सोचना या विश्वास करना चाहिदा है किस चीज़ लई? द मिस्ट्री ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कुदरत दियां जिहड़ियां सारियां चीज़ां हैं उन्हां दे पिछे की रहस्य है, उस बारे, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उस बारे सोचना चाहिदा है. आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द मेन व्हाट शुड वन डू, हर इंसान नू सोचन तो बाद किसी व्यक्ति नू मनुख नू की करना चाहिदा है? वन शुड एक्सेप्ट दैट विच इज़ गुड एंड ट्रू. सब नू सुनो पर तुसी करो ओ जिहड़ी चीज़ तुहानू सच्ची ते सही लगदी है. व्हाट शुड वन बी वेयर ऑफ, किसे इंसान नू किस चीज़ तो
सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। वन शुड बिवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स, हर इंसान नू किस तो बचना चाहिए, चापलूसा तो। जेड़े इंसान तुहाडे नाल चापलूसी करते रहते हैं हर वक्त, तुहाडी अच्छाई नू ही तुहाडे सामने पेश करते रहते हैं, वह फ्लैटरर्स हैं, तो तुहानू उस तो बचना चाहिए। लिस्ट द क्वालिटी विच मेक अ गुड ह्यूमन बींग, कहिंदे उस चीज़ दी लिस्ट बनाओ जेड़ियां चीज़ां किसी इंसान नू एक वधिया इंसान बनांदा है। द फॉलोइंग क्वालिटीज़ मेक वन गुड ह्यूमन बींग, कहिंदे ए कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जेड़ियां कि किसी एक इंसान नू वधिया बनांदियां हन। की है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस, हिम्मत, पेशेंस, सहनशीलता, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, फेथ इन वन सेल्फ, अपने आप दे विच विश्वास रखना, एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड, और मानवता दे विच अच्छाई दे विच विश्वास रखना। ते एक क्वालिटीज़ हैं, वधिया क्वालिटीज़ हैं जिहड़ियां कि जे किसी इंसान दे विच हुंदियां ते उन्हों एक अच्छा इंसान मनिया जांदा है। हुण अगला क्वेश्चन काफ़ी नाइनथ, जिहड़ा टेंथ क्वेश्चन है वह नाइनथ क्वेश्चन दे नाल रिलेटेड है। जदों तुहानू पुछदे हैं नाइनथ क्वेश्चन च भी ऐसियां किहड़ियां क्वालिटीज़ हैं जिहड़ी किसी इंसान नू अच्छा बनांदियां हैं, तो दसवें क्वेश्चन चों पुछ रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ यू हैव इन योर सैल्फ, कहिंदे हुण उन क्वालिटीज़ नू तुसी दसो जिहड़ियां तुसी अपने च चाहुंदे हो। तो वैसे तो तुसी नाइनथ क्वेश्चन दियां ही सारियां क्वालिटीज़ नू रिपीट करके उही आंसर लिख सकते हो। जे थोड़ा चेंज कर सकना चाहो तो इस तरह भी हो सकता है कि माय मोटो ऑफ लाइफ इज़, मेरी जिंदगी दा जिहड़ा रहस्य है, जिहड़ा उम्मीद है, मतलब लाइक जे उद्देश कह सकते हैं आपां, उद्देश है, तो वह हैगा डू गुड फाइंड गुड, वधिया करो और सारियां च वधिया नू ही देखो। सो आई नेवर थिंक इल ऑफ अदरस, इस करके मैं किसी का भी गलत नहीं सोचता। आई हेट क्रुएलिटी एंड डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म, मैं किसी तरह की भी जिहड़ी क्रुएलिटी है, निर्दयता हैगी या बेईमानी है, उन्हूं पसंद नहीं करता, उन्हूं नफरत करता हाँ, ठीक है। तो यह भी आंसर हो सकता है तुसी नाइन्थ वाले जिहड़ियां क्वालिटीज़ है, ऑनेस्टी, करेज, पेशेंस, ट्रूथफुलनेस, फेथ इन वन सेल्फ एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड, यह भी लिख सकते। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।